अगर आपने सिवा हिंदी टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं सिवा हिंदी टेक और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मोटो G5S प्लस में आप किस तरीके से दो सिम और एक मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉटर मिलता है जिसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड को ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जिसे बोलते हैं सिम अडाप्टर है ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अराउंड 200 का पड़ेगा, तो आप इसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता दूँ, आपको इसको किस तरीके से प्लेस करना है। आपको पहले इस जो छोटा वाला स्लॉट है उसमें सिम लगाएंगे, फिर उसके बाद वाले बगल वाले स्लॉट में आपको मेमोरी कार्ड लगाना है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉपरली ढंग से लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका हाथ से स्लिप होता रहेगा, मेरा हाथ से हो रहा था, तो आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मेमोरी कार्ड इस तरीके से लगाना है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे आप इस तरीके से लगा देंगे, उसके बाद आपको इसे सिंपली फ़ोन में इंसर्ट कर देना है जैसे हम बाकी रेगुलर सिम को करते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाए, दिख जाएगा आपको। ये आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ लगेगा तो मैं आपको केस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसका केस भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको अमेजोन में मिल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए नेटवर्क आ चुका है, एक सिम का दिखा रहा है। मैं आपको प्रॉपरली सिम कार्ड के अंदर घुस के दिखा दूँ, मैं एक मिनट, तो मोर में जाके ये देखिए सिम कार्ड का ऑप्शन में देखिए आप देख सकते हैं मेरे को जियो 4G का नेटवर्क दिखा रहा है, यानी सिम दिखा रहा था, यानी एक सिम डिटेक्ट हो चुका है। अभी दूसरे सिम स्लॉट में मैंने सिम नहीं लगाया, मैं आपको दिखा दूं दूसरे सिम स्लॉट में भी लगा के दिखा देता हूं आपको। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन हमें इसे घुमा के लगाना है इस तरीके से, लेकिन ऊपर की साइड से डालेंगे हम इसे। जैसे आपने इसे लगा दिया उसके बाद अब आपको दो नेटवर्क शो होने चाहिए, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए लगा हुआ प्रॉपरली। तो आप ऊपर देख सकते हैं दो नेटवर्क दिखा रहा है मुझे, अब ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे, मैं आपको सिम कार्ड में जाकर दिखा दूँ, सेलुलर में जाके दिखाया था मैं आपको, देखिए जियो फोन और वोडाफोन दोनों के नेटवर्क आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टोरेज का दिखा देता हूँ, स्टोरेज में जाके आप ये मेरे फ़ोन का SD कार्ड दिखा रहा है, फिर देख सकते हैं 29 GB और ऊपर दिखा रहा है मेरा इंटरनल स्टोरेज, फिर देख सकते हैं ये इंटरनल है और उसके नीचे SD कार्ड, बस यही है। तो उम्मीद करता दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।